हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल होप यू आर ऑल डूइंग गुड दिस इज मनीशा एंड या वॉचिंग माई चैनल मनीशा डॉट आट्स आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक प्यारसी कैट जो कि पर्शियन कैट है ये नॉर्मली वाइट कलर्स मतलब बहुत सारे कलर्स के आते हैं ये जो हम बना बना रहे हैं ये वाइट कलर का बना रहे हैं स्पेसिफिकली एंड uh, और ये ओबियसली इसकी रेफरेंस मैंने ऑनलाइन लिया था पिन इंट्रस्ट से दिया था एंड मैंने देखा था एंड आई वॉन्ट टू डू इट बट आई डोंट नो कि मैं कौन से मीडियम यूज़ करूँ जिससे कि बहुत अच्छी आएगी इसकी तो मैंने इसलिए सॉफ्ट पेस्टल यूज़ किया ये जो आप देख रहे हो हल्का सा वाइट आपको पहले दिख रही होगी थोड़ी सी और जो अभी मैं कर रही हूँ ये सेकेंड लेयर है फर्स्ट लेयर करने के बाद ना मैंने फिक्सटिप स्प्रे किया था फिक्सेटिव स्प्रे जिसको कि आप सिक्योर करने के लिए ये जो सॉफ्ट पेस्टल होती है एकदम डस्ट चीज़ होती है वो तो इसको फिक्स करने के लिए हम फिक्सटिव यूज़ करते हैं फिक्सटिव स्प्रे आती है और उसको जब भी आप यूज़ करें कहीं आ, बाहर आप यूज़ करें थोड़ा सा घर से बाहर बैल्कनी वगैरह में या आप कॉरिडोर वगैरह में आप बाहर चले जाएँ क्योंकि इसकी स्मेल बहुत हार्ड होती है सो जब भी आप यूज़ करें बी केयरफुल और आई मतलब अच्छा होगा कि आप मास्क पहन लें या आईज़ में कुछ डालें क्योंकि आईज से थोड़ा दूर ही रखें तो भी बेटर रहेगा तो ये ये तो था फिक्सेटिव स्प्रे के बारे में और जो प्रोसेस मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ आप मतलब सबकी अलग अलग होती हैं करने का तो मैंने आ, क्योंकि इसका वाइट था एंड शेड शा, शेडो एरियाज़ जो होते हैं वो ग्रे नॉर्मली दिखता है तो मैंने ग्रे वाली ये फिर से मैंने वही सेम वेस्ट पेपर ही यूज़ किया है जिसमें कि ये चौक बहुत अच्छा मतलब कि जो सॉफ्ट पेस्ट होता है बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है एंड नीडेबल इरेजर से मैंने जहाँ जहाँ फिर बाद में मुझे चाहिए था मैंने फिर इरेज भी किया एंड uh, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने लास्ट uh, में uh, जो ईयर्स uh, के पास जो थोड़े बाल बनाने थे मैंने वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल से फिनिशिंग भी दी है एट द एंड वो मैंने किया है एंड यहाँ पे आप मतलब थोड़ा सा आपको मतलब पेशेंटफुली इसको देखना है एंड ऑब्जर्व करनी है चीज़ों को क्योंकि आप जहाँ से रेफरेंस पिक्चर लेते हो वो भी ऑलरेडी एक पेंटिंग होती है आप ओरिजिनल से नहीं बना रहे हो क्योंकि जो कैट होती है वो एक तो मूव करती है अगर बैठना होता है वो पूरा बैठती है ऐसे खड़े वाले पोजीशन में थोड़ा सा मुश्किल है ऑब्जर्व करना तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है आप बनाने से पहले एंड आप थोड़ा सा उसमें उन्हें से चेंज करना पड़ता है तो ठीक है तो यही था जो कि कुछ था एंड इसमें नॉर्मली हमने स्ट्रोक्स ही यूज़ किया है स्ट्रोक्स यूज़ करके हमने पूरा हेयर वाली लुक दी है इसमें तो आई होप ये बहुत सिंपल है एंड आइज़ के लिए मैं मैंने वही सेम ग्लास मार्किंग पेंसिल ब्लैक यूज़ किया है देन उसके ऊपर जो वाइट डॉट्स थे उसको आ, उसकी इफ़ेक्ट के लिए मैंने दिया है Uh, जो वाइटनर हमारे पास होता है तो उसी का uh, यूज़ किया है सो आई होप आप ये पूरी प्रोसेस एंड तक देखेंगे एंड विल एन्जॉय दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा एंड uh, और यहाँ पे स्मर्ज करते टाइम इधर उधर थोड़ा लग जाता है तो नीडेबल इरेजे से वो सारी चीज़ें इरेज हो जाती है तो आप uh, उसके लिए बिल्कुल वरिडमत होइए एंड हो उसको जब आप नीचे वाला एक बार कर लो तो प्लीज़ एक uh, कोई पेपर आप बीच में रखें आप आ, पेंटिंग और आपके हाथ के बीच पे बीच में एक पेपर आप रख दो तो आपकी जो आपने की होगी वो सिक्योर रहेगी वो और मैसी नहीं होगा वो क्या होता है जब आप हाथ रख दो तो आपके हाथ में आ जाती है तो ये थोड़ा सा आप केयरफुल रहना पड़ेगा इसकी इसको थोड़ा सा आप मतलब हैंडल करने के लिए मतलब बहुत प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते वो हो जाएगा अपने आप तो और अभी तो ये ऑलमोस्ट मतलब डन ही है बस एंड मतलब अभी मैं उसकी बाकी के जितने भी फिनिशिंग है अभी ऑलमोस्ट डन ही है अभी क्या है अभी अगर एक बार आ, और स्प्रे करूँगी देन उसके बाद भी आप कर सकते हो तो आप डबल स्प्रे भी कर सकते हो अगर आपको और डिटेलिंग और अच्छे से करना है तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो मैंने आ, आ, अभी फिनिशिंग करना शुरू कर दिया है बाकी के जितने भी बाहर के बाल हैं जो भी हमें पर्टिकुलर दिखाना है ईयर्स के न, मतलब ऊपर जो आ रहे हैं हेयर्स और थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग अभी रह रही है जिसको कि जिससे कि आप थोड़ा सा ओरिजिनल लुक दे पा रहे हैं मतलब जिस मतलब उसके हेल्प से मैं मतलब इतना ओरिजिनल वो खिल के है तो खाली सॉफ्ट पेस्टल से भी आप चाहो तो कर सकते हो एडजस्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एक बार आप यूज़ करते हो तो उसकी एडजस्ट चली जाती हैं फिर उसको साइन पेपर पर घिस के आप थोड़ा सा एडज करवा सकते हो तो मैंने सोचा कि मैं मेरे पास पेंसिल है तो मैं उसका ही यूज़ कर लेती हूँ वैसे ही मुझे आ, मतलब इतना फ़र्क नहीं पता चल रहा है यहाँ पे जब मैं कर रही हूँ सो दिस इज़ इट एंड हाँ मैं यहाँ पे बार बार नीडेबल इरेजर बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो नॉर्मल इरेजर से भी होगा ठीक है सो डोंट वरी तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने सॉफ्ट सॉफ्टवेस्टर ली है कर रहे हो या करने वाले हो तो आप नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास नीडेबल इरेजर होना चाहिए सो so, मैंने ऑलरेडी इसके पैर के नीचे जो शेड्स देने थे मैंने दे दिया है जिससे कि वो थोड़ी सी रियल वाली लुक आती है ना बैकग्राउंड से तो ऑलमोस्ट फिनिश है तो मैं इसलिए मैंने बीच में एक पेपर रख के फिर कर रही हूँ बाकी क्योंकि वो बाकी चीज़ें मेरे हाथों में लग के निकल ना जाए तो इसको सिक्योर रखने में हेल्प करता है जब आप एक नीचे वाला कर दिया है पहले एंड ऊपर वाला बाद में कर रहे हो तो बीच में एक पेपर रख दो आप पेंटिंग एंड आपके हाथ के बीच तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है और और ये हो गया ऑलमोस्ट फिनिश बाकी जितने भी आ, मेरे मेरे को करना था मैं कर दिया एंड थोड़ी सी थोड़ी सी फिनिशिंग टच है आई होप जितना भी मैं कर रही हूँ आपको समझ में आए एंड आप भी खुद कभी ट्राई करो तो आई थिंक मुझ लाइक डिफ़िकल्टीज ना फेस करो एंड अगर केस आता है देन लेट मी नो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो लाइक like, आप ओनली हाय हेलो ऐसे लिख के मत छोड़िए आप पूरी मैसेज डालिए मतलब जो भी आपको डाउट है या जो भी आप पूछना चाहते हो मुझसे आप डायरेक्ट मैसेज में डाल सकते हो और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स uh, में डाल दूंगी एंड जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उसकी भी सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में डाल दूँगी सो आई होप यू रियली एन्जॉय द प्रोसेस सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय